अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई, आपका दोस्त साजिद आफरीदी कराची प्रेस क्लब से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज कराची प्रेस क्लब में कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इलेक्शन हो रहा था, इलेक्शन हो गया है, गिनती का अमल जारी है इस वक्त। तो यहाँ पर जो नामवर शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, फैसल ईदी साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं, बैठी हुई अगर मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहे, वो भी गिनती में मसरूफ़ है। तो आइए हम आपको अंदर का माहौल भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सईद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं की आप सुनाएं। सईद भाई, इलेक्शन के हवाले से थोड़ा सा गाइड करें हमें। देखें, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप हमारे पास आए, हमने इससे कवरेज की और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है फ़हीम सदीकी भाई के सरबराही में हमने प्रोग्रेसिव पैनल, हमारे उनसे ताल्लुक़ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी वैसी गिनती जारी है। लेकिन मैं एडवांस में सबको और आप समय सबको मुबारकबाद देता हूँ कि प्रोग्रेसिव पैनल अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत चुके हैं और इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में आपके सामने हम इंशाल्लाह जश्न भी मनाएंगे। नाम तो ले, कौन फर्स्ट पे कौन आया है, नाम भी तो ले। देखिए, अभी तो फर्स्ट पे मैं आपको नाम इसलिए नहीं बता सकता हूँ क्योंकि आपको पता है फिर एतराज़ात बहुत ज़्यादा होंगे। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में जो है फ़हीम सदीकी साहब ख़ुद इस पर आपको नाम भी बताएँगे और वो बाकायदा पूरी मीडिया टॉक भी करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह हमें खुशी इस बात की कि देखिए हम हमारा काम बोलते हैं, हम नहीं, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8-9 साल से हर साल के बाद हमारे इलेक्शन होते, 8-9 साल से लगातार अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत के आ रहे हैं। अच्छा सईद भाई, ये भी बताइए, अगर कोई भी सदर बना, कोई नया सदर आता है, कोई तब्दीली आती है? हाँ, तब्दीली ये हुई थी कि पिछली दफ़ा जो हमारे एक सदर साहब थे वो अभी जो है हमने एक्साइट कर दिया, अभी उसके बजाय उसकी जगह हमने दूसरा सदर को लेकर आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो भी बेहतरीन कोऑपरेट करने वाले हैं बाग दौड़ में। देखिए, हमें सिर्फ ये चीज़ चाहिए कि हमारे ऊपर जो सहाफ़ी है, हम जितने भी हमारे सहाफ़ी भाई है, अगर उनके ऊपर कल कोई भी मसला आता है, पुलिस की तरफ से हो, पोलिटिकल मसला हो, कोई और मसला हो, रोड ब्लॉक करना हो, सुप्रीम कोर्ट में एहतजाज करना है, कराची पुलिस कर में एहतजाज करना है, जहाँ भी हमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरे जो कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मेंबरान हमारे वो हमारे साथ शिरकत करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो आइए दोस्तों, आपकी मुलाकात कराते हैं। ये फैसल ईदी साहब इस वक्त मसरूफ़ है, बाद में हम इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, बात भी कराते हैं। इनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा है इस वक्त अगर देखा जाए तो। आइए मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताइए आकिब भाई, इलेक्शन के हवाले से। बस ये कि आज ये कराची प्रेस क्लब में के यू जे जो है कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जो यहाँ पर इलेक्शन हो रहा था इनके पैनलों के दरमियान, तो वहाँ पर हम रजाकराना तौर पर हम आए यहाँ पर और हमारे साथ साजिद भाई भी मौजूद है, ये हमारे साथ आए वॉलेंटियरली, इन्होंने काम किया और इलेक्शन में जमहूरी अमल का ये हिस्सा बने, तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आज ये इन्होंने जो पूरे इलेक्शन प्रोसेस पे हमारा अल्टरनेट ग्रुप का बहुत साथ दिया और रात तक अभी यहाँ बैठे हैं ये और वॉलेंटियरली काम कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ये हमारे साथ इस तरह काम करते रहेंगे और बहुत ही यंग और जेनेटिक किस्म के इंसान है ये, अल्लाह पाक इनको कामयाबी दे। और बाकी ये कि हमारे और भी दोस्त हैं, ये इनसे मुलाकात कराएंगे आपकी कि हमारे जो यंग जनरेशन जो भी हमने अल्टरनेट ग्रुप तंजीम के नौजवान हैं, तो काफ़ी लोग हमारे आए, उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस पर हिस्सा लिया और बहुत अच्छी बात है कि यंग जनरेशन को, मैं समझता हूँ कि ये एक जमहूरी अमल है और इनको सीखने, ये हर चीज़ इनको सीखना चाहिए ताकि ये आइंदा के दिनों में इनको भी आसानी हो। तो बाकी साजिद भाई हमारे दोस्तों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। साजिद भाई, प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब साजिद आफरीदी ऑफिशियल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट वीडियोज़।